सावन का महीना आस्था और भक्ति का महीना होता है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा में समर्पित होकर उनका अभिषेक करते हैं। सावन महीने में श्रद्धालु शिव के गले में हार के रूप में मौजूद नाग और भगवान विष्णु की सैया के रूप में पूजित नाग वंश की पूजा करते हैं। नाग पूजा का यह दिन नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। नाग पंचमी को लोग नागों की पूजा करते हुए उन्हें दूध और धान का लावा अर्पित करते हैं। शिव ना सिर्फ मनुष्यों का कल्याण करते हैं बल्कि पशुओं और अन्य जीवों पर भी कृपा करते हैं। भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जहां इस तरह का अद्भुत नजारा लोगों ने देखा है, जहां नाग नागिन आकर शिव की प्रति अपनी भक्ति दर्शाते हैं। वहीं राजघाट के पास स्थित मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में भी शिव भक्तों ने भगवान शिव के साथ नाग देवता का पूजा अर्चना की, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की संख्या नहीं के बराबर देखी गई। कुछ भक्त ही मंदिर पहुंचे और नाग देवता की पूजा अर्चना किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिव भक्तों और मंदिर के पुजारी व्यवस्थापक ने कहा, इतना भीड़ होता था पसीना मुझको बह जाता है। प्रभु जय हो, मेरे महादेव आपकी जय। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश। मेरा नाम रोहित कुमार वर्मा है। मुक्तेश्वरनाथ की मंदिर है, यहाँ पूरे श्रद्धा भावना से पूजा होता है। जो भी आस्था जो भी होता है भगवान भोलेनाथ का कृपा होता है, सब पूर्ण होता है। बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत विश्वासी मंदिर है। आज नाग पंचमी आप पूजा करने आए हैं, कितना आपको कैसा लग रहा है? आज बाबा नाग देवता का दिन है, उनका पूजा आराधना करने सारा संपूर्ण कोई भी विधि विधान होगा सब कुछ पूर्ण होगा। कितना शांति मिलता है मन को? ऐसे शांति मिलता है जैसे कि पूरी जीवन की साधना ही हो जाता है एक ही दिन में। कोई अपील कोरोना काल में लोगों से? अपील यही है कि मतलब कि मंदिर में यही है कि मतलब कि कोरोना में अपना बच के बचा के रहें, सावधानी रखें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं 2 गज की दूरी बना के रखें। इसी विधि विधान से मंदिर में पूरी विधिवत से पूजा होता है। सारे मंदिर में 2 गज की दूरी बना के ही पूजा होता है। यहाँ पे पूजा करने पे बहुत अच्छा लगता है, हर एक चीज माना जाता है जो पूजा हो जाता है। कोरोना काल में लोग कहते हैं पूजा कर रहे हैं, कहते हैं दूरी दूरी बना के पूजा कर रहे हैं, दूरी बना के पूजा किया जा रहा है। कोई अपील लोगों से, कैसे लोग पूजा करें यहाँ पे आके? मास्क लगा के आ रहे लोग, दूरी बना के पूजा कर रहे हैं बाहर से। मेरा पंडित विजय नारायण शुक्ला, नाग पंचमी एक नाग पंचमी इसलिए मनाया जाता है कि आज जो है ये नाग देवता जो है एक राजा थे, इसको जो है डस लिए थे, उसके वजह से जो है उसी के समय से, और एक तो भोलेनाथ के गले में हमेशा रहते हैं इसके वजह से, और कच्छप जो है एक राजा थे उनको ये डस लिए और उनको पुनः उन्हीं के कारण से नागपंचमी बना, इसके वजह से आज तक मनाया जाता है। और
शिव के गले में हमेशा रहती है, इसकी वजह से भी मनाया जाता है। और सावन मास में भगवान शिव का पूजा एक विशेष है, जिसको करने से शक्ति मिलती है और सभी का भय खत्म होता है। और इसीलिए सावन मास एक महीने का जो दिन होता है विशेष करके भोलेनाथ का होता है। और इसमें भांग धतूर वगैरह विशेष भस्म वगैरह त्रिकुंड वगैरह लगाया जाता है, रुद्राभिषेक एकादशी रुद्राभिषेक मतलब 51 पाठ 11 पाठ जो भी होता है यह बहुत लाभकारी होता है। महामृत्युंजय का जब जो है बहुत लाभकारी होता है, इसके वजह से सावन मास का जो है जो भी पूजा अर्चन होता है इसकी वजह से मनोकामना पूर्ण होती है। और यह मुक्तेश्वरनाथ सिद्धपीठ स्थान विश्वनाथ से स्थापित है, काफ़ी दिन हो गया। जिस समय रोहिणी नदी और राप्ती नदी इसके मंदिर के दोनों किनारे बह रही थी और पुजारी जी जो है गगरी से पानी ला करके पेड़ पौधा लगाए और इस मंदिर को जो है रखाए और उन्हीं का स्थापित किया। बाबा विश्वनाथ से स्थापित मंदिर है, दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत काफ़ी भीड़ होता है। मगर इस बारी जो है कोरोना की वजह से महामारी की वजह से सरकार की व्यवस्था की वजह से इस मंदिर पर तमाम ब्राह्मण जिसका यहाँ रोजी रोटी है और जिनको उपाध्याय जी यहाँ के महंत हैं उनका भी यहाँ बैठना अनिवार्य है। कारण है कि महामारी की वजह से जो है तमाम दिक्कतें का सामना करते हुए यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं लगा और यहाँ पर विधुवत जल नहीं चढ़ा। सोमवार को कुछ हल्की फुल्की भीड़ होती है, सारा यहाँ सब बंद है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग संतुष्ट हैं। और महामारी भगाने के लिए 101% प्रयास करते हैं मेरा सरकार जो है वर्तमान योगी सरकार, यहाँ के जो है सब व्यवस्था व्यवस्थापक की तरह से चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। महामारी भगेगा और कोरोना जाएगा और बाबा भोलेनाथ की शक्ति से कोरोना एक ना एक दिन जाना है। इसलिए जब भोलेनाथ जो है पूरा विष पी गए संसार के रक्षा के लिए, तीनों लेख के रक्षा के लिए विष पी गए, तो जो है यह सावन मास का जो है किसी को डरना नहीं चाहिए। इसी प्रकार एक समय कोरोना भी भगवान पी जाएंगे। किंकु उपाध्याय भी इसीलिए मनाया जाता है कि भगवान भोलेनाथ के गले का जो है हार हैं नाग देवता, और नाग की पूजा इसीलिए होती है कि नाग पंचमी में। कहाँ कहाँ से लोग पूजा करने के लिए आते हैं? यहाँ तो देखिए पूजा करने के लिए बसंतपुर है, तुर्कमानपुर है, राप्ती नगर तक के लोग आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं लेकिन समय पर आते हैं। अब इधर तो एकदम बंदी कर दिया गया है इसलिए नहीं आते हैं। कोरोना की वजह से कितने मतलब लोग कम आ रहे हैं यहाँ के लोकल जो हैं, हासूपुर, बसंतपुर, तुर्कमानपुर, उर्दू बाजार, इस तरह से तो लोकल है लेकिन इधर से भी आते हैं, राप्ती नगर से, राजेंद्र नगर से यहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं। कोरोना की वजह से कितनी कोरोना की वजह से बंद है।